नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एसके सिंह, एग्री ज्ञान एसके यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है एक नए विषय समसामयिक विषय के साथ। आजकल हमारे कुछ दोस्तों ने एक वीडियो शेयर किया एक कीड़े पर आधारित, और सफेद रंग का कीड़ा और कई फसलों में खासतौर पर आम पर भी देखा, किसी ने गुआवा पर देखा, किसी ने जो है जो नीचे सब ट्रॉपिकल एप्पल के ऊपर वीडियो बनाई। अब भेजा मैं वो पहले वीडियो आपको दिखाता हूं, आप देखें। देखिए, ये एक सफेद रंग का कीड़ा है और ये कीड़ा जो बेसिकली देखें तो कई लोग कंफ्यूज है कि पेड़ पर चढ़ रहा है या उतर रहा है। इसको बहुत ध्यान से गौर करिए, पेड़ से उतर रहा है। ये एक समय है, मई का महीना, अप्रैल का महीना या मई का 15 मई तक ये कीड़ा अपने होस्ट ट्री से नीचे उतरता है। अब होस्ट ट्री से नीचे उतरकर अभी आगे की अपनी लाइफ साइकिल बढ़ाने की प्रक्रिया में आता है। तो इस तरह से ये मादा एडल्ट का पूरी की पूरी जितनी झुंड देखिए मादा एडल्ट है। आपने देखा होगा वीडियो में कि सफेद रंग का कीड़ा बहुतायत में, और आज के समय मतलब आज के समय में अप्रैल और 15 मई तक ये कीड़ा बहुतायत में दिखता है। वो अपने होस्ट ट्री पर बहुतायत में ट्रंक पर दिखेगा। कई लोग ये जो वीडियो मुझे शेयर जो जिन्होंने किया, इसको बेसिकली उन्हें जानना चाह रहे थे कि कौन सी दवा छिड़के। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी कीड़े की मैनेजमेंट या कंट्रोल से पहले उसके बारे में जाने, क्या ये सही समय है उसके नियंत्रण का, नियंत्रण के लिए कौन सी दवा रसायन यूज करें, क्या दवा से पहले कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अनावश्यक रसायन का छिड़काव पैसे का बर्बादी, समय का बर्बादी और वातावरण का नुकसान, पॉल्यूशन। तो इन तीनों से बचना हो तो इस कीड़े के बारे में जाने, और जानेंगे अगर आपने दुश्मन के बारे में जान ली तो बेटर नियंत्रण कर पाएंगे। क्या है कीड़ा जो सफेद रंग का दिखा, यह मूल रूप से जो है मैंगो मिलीबग कहलाता है। अब मैंगो मिलीबग यानी ड्रोसिचा मेलिफेरी जो इसका बायोलॉजिकल नेम है, यह फीमेल एडल्ट है जो सफेद रंग का चपटा सा लंबा सा पंख नहीं होता। सामान्य तौर पे कीड़े उड़ते हैं, इसमें पंख नहीं होता, किसी ना के क्रॉल करता चलता है, उड़ता नहीं है और सफेद रंग का। इसका लगेगा आप कभी आप ध्यान से वीडियो को देखें या कभी आपको देखने को मिले तो लगेगा कि इसके बॉडी के ऊपर चाहे ऊपर हो या नीचे हो चारों तरफ सफेद रंग का कोई पाउडर सा काटनी मटेरियल चिपकाया गया। इसी कारण इस पर रसायन का प्रभाव भी बहुत कम होता है। इतनी ऊपर जो है कॉटन लेयर होता है कि कोई रसायन छिड़कते हैं तो सीधे बॉडी के ऊपर नहीं जाता और कॉटन के ऊपर चिपक जाता है, इंसेक्ट सामान्य तौर पर बच जाता है। लेकिन इसका ये फीमेल का कैरेक्टर है, मेल का पंख होता है और मेल डार्क रेड की बॉडी होती है। तो मेल आपको नहीं दिखा, अब मेल नुकसान भी नहीं करता। इस समय जो आप देखें जो एडल्ट फीमेल है, ये मार्च के एंड या अप्रैल से लेकर मई 15 तक सामान्य तौर पर अपने होस्ट ट्री से नीचे उतरती है। तो जो आपको वीडियो दिखा ना, ये होस्ट ट्री से मैंगो मिलीबग नीचे उतर रहा है। क्यों उतर रहा है, नीचे उतरता है होस्ट ट्री से, या कई बार होस्ट ट्री से नीचे टहनी से सीधे जमीन पर गिर भी जाता है, इतनी बहुतायत में जब हो जाता है। और नीचे उतर कर ये होस्ट ट्री के ट्रंक के आसपास की जो जमीनें हैं, मिट्टी है, उसके जो क्रैक्स एंड क्रेविसेस हैं, दरारें हैं, उसमें अंडा ड्रॉप करता है। बेसिकली इसका टाइम यह है कि अंडा छोड़ने के लिए जमीन में आ रहा है, अंडा ड्रॉप करता है और वहीं पर वो अंडा उस क्रेक्स के भीतर पड़ा रहता है। और ये अंडा यूं समझ लीजिए मई से लेकर अर्ली दिसंबर, यानी कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ये सस्पेंडेड डेवलपमेंटल स्टेज में पड़ा रहता है। पूरे करीब आप देखो तो 6 महीना ये ऐसे एक सुसुप्त अवस्था में, लेकिन उसके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं होते रहते हैं, पड़ा रहता है। और उसके बाद सेकेंड वीक के आसपास दिसंबर में ये क्या होती है, उस अंडे की हैचिंग होती है, और हैचिंग होने के बाद निम्फ निकलता है जो डर्टी ब्राउन कलर का होता है, और वो वहां से अपने फिर दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर के बाद ये धीरे धीरे अपने होस्ट ट्री के ऊपर चढ़ने लगता है, क्रॉल करके चढ़ने लगता है और दिसंबर में अपने होस्ट ट्री पर चढ़ जाता है। निम्फ जो इसका है, चाहे वो निम्फ मेल हो या फीमेल हो, वो लुक लाइक फीमेल अडल्ट, लेकिन छोटा साइज का होता है, कलर उसका डर्टी ब्राउन है। फीमेल मैंने कहा ना कि नीचे जमीन पर उतरने के बाद अंडा देती है, तो अंडा देने के बाद क्या होती है, वो अंडा देने के बाद वो मर जाती है, यानी फीमेल डाई आफ्टर लेइंग एग्स। यानी वो पूरे को लाइफ साइकिल को समझे तो अब ये देखिए जो एडल्ट आपको दिख रहा है, जो अभी वीडियो में दिख रहा है वो एडल्ट है। कौन सा एडल्ट है, फीमेल एडल्ट है, और वो फीमेल एडल्ट अब उतर रहा है कहे लिए, मई के महीने में अंडा देने के लिए अपने होस्ट ट्री के नीचे उतर रहा है, जहां क्लस्टर ऑफ एग्स करीब 300 से 400 अंडों का एक क्लस्टर झुंड देता है, और उसे अपने क्रेक्स में दरारे में होस्ट ट्री के नीचे जो जमीन के दरारों में अंडा अप्रैल से मई के महीने में वो ड्रॉप करता है, देन फीमेल मर जाती है। और ये जो अंडा मई से लेकर दिसंबर तक, फर्स्ट वीक दिसंबर तक ऐसा जमीन में पड़ा रहता है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं होते हैं, और उसके बाद दिसंबर के लेटर वीक में निम्फ निकलता है, और वो निम्फ करीब निम्फल पीरियड है वो 90 डेज का है, यानी कह सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च, अगर दिसंबर के महीने में निम्फ का इमरजेंस हो गया दिसंबर थर्ड वीक फोर्थ वीक, तो ये जनवरी फरवरी मार्च देखें तो करीब 3 महीने का ये इसका निम्फल पीरियड है। और ये निम्फ निकलने के बाद देखिए तुरंत बाद यानी दिसंबर में ही ये अपने होस्ट ट्री पर क्रॉल करके चढ़ जाता है, और पूरे 3 महीने अपने होस्ट ट्री को पड़ा रहता है। यही समय है उसके डैमेज करने का, यानी डैमेजिंग स्टेज क्या है निम्फ, और ये मई तक
अप्रैल मिड तक या मार्च लास्ट वीक तक या अपने हॉस्टल पे पड़ा रहता है तब तक इसका एडल्ट भी बन जाता है। फीमेल एडल्ट और जो निम्स हैं दोनों क्या करते हैं, डैमेजिंग होते हैं। मेल का जो चेंजेस है देखें तो एक प्यूपल स्टेज भी, शॉर्ट प्यूपल स्टेज भी आती है, देन एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लगभग अगर देखें तो एडल्ट फीमेल की लाइफ 30 डेज का है और मेल का तो कुछ ही दिन का है। तो जस्ट मेल का काम अपने जनरेशन को बढ़ाना है और देन फीमेल भी अंडा देने के बाद वो भी मर जाती है। यानी एक देखें तो साल में एक लाइफ साइकिल या इनसे पूरे जिंदगी में एक लाइफ साइकिल ही पूरा करता है। अभी बात समझ में आती है कि कहानी में नुकसान कहाँ होता है और कैसे होता है। डैमेजिंग स्टेज कौन है? निम्फ, चाहे मेल निम्फ हो या फीमेल निम्फ हो, लुक लाइक फीमेल जैसा दिखेगा जो छोटा साइज होगा। और फीमेल एडल्ट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका डैमेजिंग स्टेज क्या है, ये बहुत ध्यान रखना होगा। निम्फ और फीमेल एडल्ट ये डैमेज करते कैसे, जब ये दिसंबर के महीने में अपने होस्ट ट्री पर ऊपर चढ़ जाते हैं तो चढ़ने के बाद इसको भोजन चाहिए, तो भोजन ये अपना कैसे लेते हैं? सक द सैप कॉन्स्टेंटली, जो होस्ट ट्री है उसके ट्विग से, बर्ड से, फ्लावर से, फ्रूटलेट से, यंग लीव से लगातार उसके रस चूसते रहते हैं और इसी से उनकी लाइफ चलती है और यही डैमेज है। ऐसा करने से क्या होता है, जो ट्विग्स कमजोर हो जाते हैं, इनफ्लोरेसेंस कमजोर हो जाते हैं, कई बार तो फ्रूट्स का जो अटैचमेंट पॉइंट इतना कमजोर हो जाता है, इनफ्लोरेसेंस इतना कमजोर हो जाता है कि पूरा का फल जमीन पर गिरने लगता है। एक और नुकसान करता है, ये क्या करता है जो इसके देखें तो एक हनी ड्यू, एक सुगरी शाइनिंग मटेरियल सेक्रेट करता है, कहां पर? इनफ्लोरेसेंस पर, पत्तियों पर वो छोड़ता है। जो सुगरी और शाइनी मटेरियल है उस पर लेटर बाद में एक ब्लैक मोल्ड फंगस, काला फंगस ग्रो करता है और वो पत्तियां देखें ब्लैक इस काली काली से दिखने लगती है। तो इस तरह से पत्तियां या इनफ्लोरेसेंस काले हो जाते हैं, या काले पत्तियां होने से क्या होता है कि इसकी जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। देखिए एक पूरी मिलीबग इसकी ग्रोइंग टिप पर जो है सकिंग कर रही है, तो नेचुरली ग्रोइंग टिप कमजोर हो जाएगा। ये फ्रूट्स के देखिए पूरी अटैचमेंट पर, पूरी टहनी पर, तो जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो फ्रूट ड्रॉप पड़ जाते हैं। अब आती है मैनेजमेंट की। अब समझ में आया कि नुकसान कहाँ है और कौन करता है, तो अब आती है इसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैनेजमेंट करने का नहीं, ये मई के महीने में जमीन में जाता है, तो अगर आप आईपीएम इच्छी टूल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बेस्ट आईपीएम टूल है कि समर में मई के महीने में इसकी प्लानिंग करें, अपने बाग की जुताई करें। जुताई करेंगे तो क्या होगा, जो इसने अंडा, फीमेल तो अंडा देने के बाद मर गई, अब उसका तो कुछ काम करना ही नहीं, वो तो सिर्फ मरना था, अपनी लाइफ साइकिल पूरा करना था, लेकिन जो अंडा उस जमीन में छोड़ गई वो अंडा एक्सपोज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और उसको उसके जो एनिमीज बर्ड्स हैं और इंसेक्ट है वो उसको खा सकते हैं। सूर्य की गर्मी, मई जून की गर्मी भी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। तो एक बिना रसायन, बिना कुछ किए एक आसानी से कंट्रोल करने का टूल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, फिर भी आपको लगता है कि आप जब दिसंबर के महीने में, मैंने बताया कि दिसंबर महीने के महीने में निम्फ निकलता है और क्या करता, फिर होस्टल पर उल्टा चढ़ने लगता है, अभी उतरा है गर्मी के शुरू में, वो जाड़े के शुरू में ऊपर चढ़ने लगेगा। तो जब चढ़ने लगे तो चढ़ते समय कंट्रोल करेंगे इनको, तो चढ़ते समय क्या करें, क्लोरोपाइरीफास डस्ट या फॉलीडार डस्ट, कोई भी डस्ट जो ये इंसेक्ट है, इंसेक्टिसाइड है, इसका लगभग 200 से 250 ग्राम, जैसा ट्री उतनी मात्रा, अगर फुल साइज ट्री है तो 250 ग्राम, मेन ट्रंक के जमीन पर चारों तरफ भुरकें अच्छी तरीके से, बराबर हिस्से में भुरकें, ताकि ये जैसे नीम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करें तो उस इंसेक्टिसाइड के पाउडर में वो लिपट जाए, ताकि अच्छी तरीके से लिपट जाए, उसमें बार बार वो उसका अंदर घुसकर चढ़ना पड़े उसे, तो इसे बेटर कंट्रोल होगा, बजाय इसे मात्रा भी कम लगेगा, कंट्रोल भी बेटर होगा। फिर भी आपको लगता है कि किसी कारणवश ये आगे से कहीं साइड से निकल सकता है, या ऐसी कोई साइड है जहां से इंसेक्ट बिना इंसेक्टिसाइड के बीजे गुजरे हुए निकल सकता है, तो अगला एक आईपीएम टेक्निक है जो बहुत आयत में किसान करते हैं, यूज कि जो मेन ट्रंक है आपका मैंगो हो, गुआवा, जहां भी इसको आपका इंफेस्टेशन दिख रहा, मैंगो में बहुत आयत दिखता है, तो मेन ट्रंक पर लगभग जमीन से 1 फीट ऊंचाई पर 1 फीट चौड़ा पॉलिथीन सीट लें, 400 गेज का पॉलिथीन सीट लें और चारों तरफ से लपेट दें। पॉलिथीन सीट लपेटने के बाद उसके लोअर एज पर आप ग्रीज लगा दें, ग्रीज जो आप लुब्रिकेटिंग ग्रीज आते हैं बेरिंग वगैरह में डालने के, ग्रीज लगा दें, तो इससे क्या होगा, जैसे ही यह इंसेक्ट ऊपर की तरफ चढ़ने का प्रयास करेगा तो ग्रीज में लिपट जाएगा। ग्रीज अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने के नाते उसमें अगर कोई इंसेक्ट लिपट जाए तो अपने आप में एक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी रखता है। फिर भी ग्रीज से निकलकर आगे चढ़ने का प्रयास किया तो पॉलिथीन के ऊपर वो स्लिप कर जाता है, तो बार बार नीचे गिर जाएगा, बार बार नीचे गिरेगा। तो इस तरह से आपने उसके रास्ता को एक बिना रसायन की टेक्निक से आप उसको रास्ते को रोक दिया, इस तरह से उसे चढ़ने में असफल रहेगा, और जब असफल रहेगा तो अपनी लाइफ साइकिल नहीं पूरा कर पाएगा, लाइफ साइकिल पूरा नहीं करेगा तो कंट्रोल होगा। यानी देखिए एक ऐसे पिक्चर डिजाइन किया, तो इस तरह से आप जो मेन ट्रंक है उसके 1 फीट के ऊपर 1 फीट चौड़ा आप एक पॉलिथीन लपेटिए, जिससे कि इनसे ये
देख रहा है हमें चढ़ना है, लेकिन उस चढ़ नहीं पाए, बार बार फिसल के जमीन पर गिर जा, लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ा। उसे अपने लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, डैमेज करने के लिए पेड़ पर चढ़ना अनिवार्य है, नहीं चढ़ा तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसे फिर भी किसी कारणवश आपको लगता है कि फिर भी कुछ इंसेक्ट चढ़ गए, तब जाकर लास्ट में आप रसायन का छिड़काव करें, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। तो जनवरी से मार्च के महीने में, अगर आम का बाग है तो जनवरी से मार्च के महीने में आप मेलाथियन है, डाइमेथोएट है, कार्बोसल्फान है, मोनोक्रोटोफास है। डाइमेथोएट अगर आप मेलाथियन कर रहे हैं तो 0.5 ml कर सकते हैं, डाइमेथोएट, कार्बोसल्फान, मोनोक्रोटोफास 1.5 से 2 ml 1 लीटर पानी में छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण हो सकता है। सीधे रसायन पर छिड़काव और इस समय तो बिल्कुल ना करें, कई लोगों ने बहुत रसायन छिड़क दिया है, कोई नियंत्रण नहीं हुआ। यह आम के अतिरिक्त कटहल, अमरूद, सिट्रस, अनार, पपाया, लीची, करौंदा, टर्मिनेलिया, बबूर, मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं सिर्फ आम का ही नुकसान करता है, आम पर ही इसका होस्ट है, सारे होस्ट हैं, तो किसी को भी अपनी लाइफ गुजार सकता है, नुकसान कर सकता है। चलो आशा है पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब।